बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलात व सलाम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबीही अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता गाय का जो वाकया चल रहा था उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया। अभी तो जो राज था दाऊद अलैहिस्सलाम के साबिका फैसले का, चूंकि उस पर एतराज़ात हो रहे थे, आपने उस राज को फाश किया लोगों के सामने कि हकीकत क्या है वाकई की। वो गाय को ज़ुबह करने वाला और वो जो गाय पर अपना दावा पेश कर रहा था कि मेरी गाय है, दोनों के मामलात क्या हैं, वो मंज़र-ए-आम पे आपने लाए। और ये बात बयान की गई कि बाज़ वक्त अल्लाह ताला बाज़ चीज़ों को इंसानों की छुपा देता है। अगर वो बुराइयां हैं जो अल्लाह ताला ने छुपाई हैं, जिन पर पर्दा डाला है, तो इंसान को उसका शुक्र अदा करना चाहिए और ज़्यादा कठहुज्जती और कुरीद का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो जो राज अल्लाह ने छुपाए थे वो सामने आ जाएंगे और आप दुनिया में रुसवा हो जाएंगे। वैसे भी इंसान जब कोई अमल करता है तो अच्छा हो या बुरा, वो लाख छुपाने की कोशिश करे, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वो सामने आता है। और ख़ास तौर से इंसान के जो ज़ाहिरी आज़ा हैं, वो आज़ा अपने आप में अंदर छिपी हुई चीज़ का पर्दाफाश करते रहते हैं। अब ये और बात है कि वो लोगों को दिखाई नहीं देता, ख़ास तौर से जो जुल्म होता है। जुल्म भी ऐसी चीज़ है, जालिम खुद अपने जुल्म को अपनी हरकतों की वजह से लोगों के सामने पेश कर देता है। इसका जिक्र करते हुए आपने जो गुफ्तगू शुरू की थी, आज उस पर यह बयान कर रहे हैं कि आखिरत में तो जालिम का जुल्म लोगों के सामने आ ही जाएगा, दुनिया में भी इंसान के हाथ पांव और जबान उसके जुल्म की गवाही देते हैं। जो जानने वाले होते हैं वो समझते हैं, जो जानने वाले नहीं होते उनसे छुप जाता है। बस हमीजा दस्त पायद बेगजंद बर जमीरे तो गवाही मीदहंद। एक जमीर होता है इंसान का जो छुपी हुई चीज होती है, कॉन्शंस कहते हैं उसको। ये जमीर एक ऐसी चीज है जो अगरचे के छुपा हुआ होता है, लेकिन तेरे हाथ पांव तेरी जबान बगैर किसी कमी बेशी के अंदर की चीज बाहर करते रहते हैं। जो उस कॉन्शंस को पढ़ने वाला होता है वो पढ़ लेता है, जो नहीं पढ़ सकता उससे छुपा रह जाता है। चू मौकिल मिशवत बरतो जमीर के बेगो तू एतिखादत वा मगीर। जमीर तेरे ऊपर मौकिल की तरह होता है। मौकिल कहते हैं वो शख्स जिसको कोई काम सुपुर्द किया गया हो, किसी काम की जिम्मेदारी दी गई हो, वो उसको कहते हैं मौकिल। मौकिल ऐसा नहीं कि जिन में ही होता है, इंसानों को भी मौकिल कहते हैं। अगर किसी आदमी को कोई एक जिम्मेदारी दी गई है वो उस काम का मौकिल होगा। जैसे अदालत में भी आप देखते हैं कि मौकिलीन, वकील उसी से बना है। एक केस को आगे बढ़ाने के लिए उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है, उसको कहते हैं मौकिल। तो जमीर भी इंसान का तुम्हारे ऊपर मौकिल की तरह हो जाता है। तो जो हकीकत होती है उसको सामने लाओ, छुपाने की कोशिश मत करो, वरना वो जमीर खोल के रख देगा। खासा दर हंगामे खश्म व गुफ्तगु मी कुनत जाहिर सिरतरा मुंह बमुंह। और खास तौर से उस वक्त जब इंसान गुस्से की हालत में आ जाए और जब बात करने लग पड़े तो बहुत सारी छुपी हुई चीजें इंसान की जाहिर हो जाती हैं। जब तक इंसान मुंह बंद करके बैठा है तब तक उसका राज उसके दिल में ही रहता है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है, जब बोलने लगता है, तो बहुत सारी छुपी हुई चीजें सामने आ ही जाती हैं।
अच्छे लोग भी अपनी अच्छाइयों को छुपाते हैं, बुरे लोग भी अपनी बुराइयों को छुपाते हैं, और ये उस वक्त तक छुपी रहती हैं जब तक दोनों खामोश होते हैं। लेकिन जब दोनों बोलने लग पड़े तो बुरा आदमी अपनी बुराइयों को भी खोल देता है, अच्छा आदमी के मुंह से भी उसकी अच्छाइयां छुपी हुई जाहिर हो जाती हैं। एक तो जबान का इस्तेमाल है, दूसरा गुस्से के वक्त पर इंसान जब बेकाबू हो जाता है तो बहुत सारी छुपी हुई गंदगियां उसके गुस्से के वक्त पर बाहर निकल जाती हैं, जर्रा जर्रा जाहिर हो जाता है अंदर का, खून सर पर चढ़कर बोलता है कहा जाता है। जब आप खून करेंगे तो छुपा नहीं पाएंगे, कभी ना कभी तो तुम्हारा खून जाहिर हो ही जाएगा। चू मौकिल मी शवत जुल्म जफा के हुएदा कुन मरा ए दस्तोपा। इंसान जब किसी पर जुल्म ज्यादती करता है तो मजलूम कभी कभार मजबूरी की वजह से, हालात के साथ ना देने की वजह से जुल्म सह भी लेता है, ज्यादतियां सह भी लेता है। लेकिन जब मजलूम को ताकत हासिल हो जाती है या मजलूम को किसी जानिब से हौसला अफजाई मिल जाती है, कोई उसका सपोर्टर पैदा हो जाता है, तो अब वो जुल्म नहीं सहता, जुल्म खुलकर सामने आ जाता है। और कभी कभार तो इंसान के हाथ पांव ही उस आदमी के जुल्म की गवाही देने लगते हैं। आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपके हाथ को भी उस थप्पड़ का असर होता है, आपके हाथ में भी दर्द होता है, जुल्म भी अपना असर रखता है। बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं कि इंसान उन गुनाहों को छुपाता है लेकिन कुछ ना कुछ सबूत छोड़ने की गलती कर बैठता है। चोरी करने वाला अक्सर चोरी करता होगा, बच जाता होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ देता है जिससे उसकी चोरी पकड़ी जाती है। चू हमी गीरत गवाह है सर लगाम, खासा वक्त जोश खश्म व इंतकाम। सर का गवाह, आप कहते हैं कि सर का गवाह किस तरह से लगाम पकड़ लेता है, खास तौर से उस वक्त जब इंसान गुस्से के जोश में हो और फिर बदला लेने की आग जब सवार होती है ना, तो इंसान बहुत कुछ बोल देता है। उस इंसान को बदला लेने की अगर आग उसके दिमाग पर सवार हो तो उस आग को बुझाने के लिए इंसान जो बातें मुंह से निकालता है, बहुत सारे राज खुल जाते हैं। बस हमा कसकी मौकिल मी कुनत, तालिवाए राज बर सहरा जनत। ए अल्लाह, तू ही वो जात है जो इंसान के ऊपर ये मुसल्लत करती है कि जालिम अपना जुल्म अपने ही हाथों से लोगों के सामने जाहिर कर दे, ऐसे हालात बना देती है, ऐसे मजबूर कर देती है कि जालिम खुद अपने मुंह से या अपने अमल से, अपनी हरकतों से अपने ही जुल्म का राज फाश कर देता है और जंगल में अपने राज का झंडा गाड़ देता है। अल्लाह ताला जब किसी के राज को खोलना चाहते हैं तो उससे ऐसी गलती करा देते हैं और फिर इस गलती की बुनियाद पर उसका राज फाश हो जाता है। बस मौकिल हाय दीगर रोज हश्र, हम तवानत आफरीद अज बहर नशर। तो वो अल्लाह जो दुनिया में असबाब बनाकर जालिम के जुल्म को फाश कर देता है, तो हश्र के दिन दूसरे मौकिलीन बनाकर इंसान के राज को फाश करना उसके लिए क्या मुश्किल है। मिर्जा गालिब का एक शेर है, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दम तहरीर भी था। क़यामत के दिन फरिश्तों ने गवाही दे दी इंसान के खिलाफ, इंसान को पकड़ लिया गया। फरिश्ते अलग मखलूक, हम अलग मखलूक, फरिश्तों को तो हमसे बोझ होगा, अलग मखलूक है ना हम लोग, जानिबदारी बरतेंगे हमारे साथ, वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे और हमको सजा दे दी जाएगी, ऐसे कैसे। हमारा आदमी कोई था फरिश्तों के लिखते वक्त वहां पर मौजूद, क्योंकि जब मामला होता है ना तो फरीक का नुमाइंदा भी तो वहां होना चाहिए, कोई इंसान भी होना चाहिए देखने वाला, फरिश्ते दुरुस्त लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। गालिब साहब का एक नजरिया है, उनका अपना एक शेर है, इसी नजरिए को रद्द करते हुए मेरा अपना नजरिया भी मैंने एक शेर में बयान किया है। एतमाद अपने फरिश्तों पर है भरपूर, मगर फरिश्तों से गलती तो नहीं होती ना, वो मखलूक ही ऐसे हैं कि वो गलती करते ही नहीं है, तो आपके पास इंसान से ज्यादा काबिल एतमाद तो फरिश्ते हुए, हमारा तुम्हारा क्या है। काबिल एतमाद मखलूक की अहमियत है ना, तुम्हारे लोग कितना धोखा देते हैं तुमने देखा नहीं है, भाई भाई को धोखा दे देता है, ऐसे इंसान पर क्या भरोसा करें। इंसानों से ज्यादा काबिल एतमाद तो फरिश्ते होते हैं जिनसे कोई खता नहीं होती, तो हमको तो एतमाद फरिश्तों पे है और भरपूर एतमाद है।
एतमाद अपने फरिश्तों पे है भरपूर, मगर फिर भी बुलवाएंगे आजा को गवाही के लिए। खुद हमारे आजा भी तो गवाही देंगे, सिर्फ फरिश्तों के लिखे पर पकड़ा नहीं जा रहा है भाई, आपके खुद के आजा गवाही देने वाले हैं। और अल्लाह ताला ऐसे कितने मौकिलिन को पैदा कर सकता है जो आपके करतूतों की गवाही देंगे हश्र के दिन। ए बिदा दस्ता मदा दर जुल्म की गौहरत पैदास्त हाजत नीस्त ई। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि इंसान का जुल्म मशहूर हो तभी जाना जा सके। एक आदमी का जुल्म दुनिया में मशहूर हो तब लोगों को पता चले, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जौहर होता है जुल्म का वो तो खुला हुआ है। दस हाथों से जालिम खुद अपने जुल्म को अवाम के सामने ला देता है। अगर अल्लाह ताला को किसी का राज फाश करना मकसूद है तो हालात ही ऐसे बना देगा कि बुराई करने वाला खुद अपनी जबान से या अपने अफाल व आमाल से जाहिर कर देगा मैंने ये किया है। और ऐसे हजारों वाकयात दुनिया में होते रहते हैं, कभी तो इंसान गलती में बोल देता है, कभी किसी पर एतमाद करके बोल देता है, कभी उसके आमाल से जाहिर हो जाता है, कभी उसकी बातों से जाहिर हो जाता है, ऐसे बेशुमार वाकयात होते हैं। नफ्स तो हरदम बरारत सत शरार के बबीनी दम मनम जसहाब नार। नफ्स तो ऐसा होता है कि हर वक्त चिंगारियां उगलता ही रहता है और ऐलान करता रहता है कि मैं तो दोजखियों में से हूं, क्योंकि दोजख एक आग है और नफ्स के अंदर एक आग है, अगर उसको बुझाया ना जाए तो वो आग उगलता रहेगा, और जो चीज आग उगलती रहती है उसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया था, अलैकुम बिस्सिद्क फइन्नस्सिद्क यहदी इलल बिर व इन्नल बिर यहदी इलल जन्ना। तुम सच्चाई को अपना शियार बनाओ, सच बोलने की आदत को अपना शियार बनाओ, क्यों कि जो सच्चाई है वो नेकी की तरफ लेके जाती है। सच बोलने का अमल इंसान को नेकी के रास्ते पर लेके जाता है, और नेकी की रास्ते पर इंसान का जाना जन्नत की तरफ लेके जाता है। तो ये अपने आप में तय करने वाली बात है कि आपको जाना किधर है। ये मुत्तफ़क अलैह हदीस है, इस लंबी हदीस है ये, मैं खाली इब्तिदा के और आखिर के कलिमात आपको सुना रहा हूं। बिल्कुल इसके बरक्स दूसरी बात भी कही गई, इय्याकुम बिल किज़्ब, झूठ से बचो, फइन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, क्योंकि झूठ बुराई के रास्ते पर लेके जाता है, फिस्क व फुजूर का रास्ता दिखाता है, व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार, और फिस्क व फुजूर का रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। आपने सिद्क का रास्ता इख्तियार किया तो नेकी के रास्ते पर खुद ब खुद जाएंगे, नेकी का रास्ता इख्तियार किया तो जन्नत की तरफ खुद ब खुद जाएंगे, अगर आपने झूठ का रास्ता इख्तियार किया तो बुराई के रास्ते पर जाएंगे, बुराई के रास्ते पर गए तो जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो आप जन्नत में जाने वाले हैं या जहन्नम में जाने वाले हैं, इब्तिदा ही में पता चल रहा ना कौन सा रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं आप, यह है लिंक। तो दुनिया में भी बहुत सारी चीजों में इस तरह का लिंक होता है, जो जहां आपको जाना होता है आप वहां का रास्ता इख्तियार करते हैं। नीस्त हाजत शोहरा गश्तन दरगजंद बर जमीर आतिशीनत वाकिफंद। तो किसी को नुकसान पहुंचाने का रास्ता जब आप इख्तियार करते हैं तो इसमें मशहूर होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका किसी को नुकसान पहुंचाना खुद इस बात की शोहरत होती है कि आप आतिशी बातिन हैं, आग वाले बातिन रखते हैं, आपका जमीर आग वाला है। बहुत सारी बातों को लोगों के सामने जाहिर करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार चेहरे बता देते हैं। ये होता है ना दुनिया में, अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, बहुत सारी बातों का पता चेहरे से चल जाता है। इंसान के आज़ा बोलते हैं और इंसान के आज़ा पर उन चीज़ों के असरात होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे अंदर की छिपी हुई चीज़ बाहर आती है, बॉडी लैंग्वेज होती है जिससे बहुत सारी छिपी हुई चीज़ें सामने आती हैं। बदन चेहरा जुबां आँखें दिखाती हैं, छुपा दिल का हजार इसको छुपा रखो वो बाहर आ ही जाता है। तो हर चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं भी अक्सर लोगों से कहा करता हूं, लोग बड़े शोहरत के दीवाने होते हैं, शोहरत चाहिए शोहरत चाहिए शोहरत चाहिए, तो मैं कहता हूं कि भाई शोहरत के पीछे क्यों जाते हो, शोहरत तो खुद ब खुद कदमों में आने वाली चीज है, ये अपने आप में फायदामंद चीज नहीं है, ये तो खुद कदमों में आने वाली चीज है। शोहरत है दोस्त नफा बख्श नहीं, तेरा जीना हराम कर देगी, नाम को छोड़ काम करता रह
कामयाबी ही नाम कर देगी, तुम्हारा कामयाब होना ही तुमको मशहूर कर देगा। शोहरत के पीछे क्यों भाग रहे हो, कामयाबी के पीछे भागो। कामयाबी हासिल हो जाएगी तो शोहरत तो फ्री में मिल जाएगी। बड़ी चीज खरीदेंगे तो छोटी चीज फ्री मिल जाती है, छोटी चीज खरीदेंगे तो बड़ी चीज फ्री में नहीं मिलती। दुनिया का दस्तूर ही नहीं है ये। तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर मौके ऐसे होते हैं जहां पर आप ना भी बोलें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके अंदर की चीज बाहर आ जाती है। जून एलिया नाम के एक शायर हैं, उर्दू के मशहूर शायर, उनका एक शेर है, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूं, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूं, कितना खामोश हूं मैं अंदर से। अंदर से खामोश होने के बाद भी आपकी जो लैंग्वेज है अंदर की वो बाहर आती ही चली जा रही है। नफ्स तो हरदम बरारत सत शरार के बबीनी दम मनंज सहाबिनार। तेरा नफ्स हर वक्त सैकड़ों चिंगारियां उगल रहा है और कह रहा है कि मुझे देखो मैं दोज़खियों में से हूं। बोल रहा है, जुबान हाल से कहना कहते हैं इसको, उसको मुंह नहीं रहता, आवाज भी नहीं आती, लेकिन तब भी बोलता है। जुज्व नारम सुए कुल्ले खुद रवम मन न नूरम के सुए हजरत शवम। वो कहता है कि मैं आग का जुज हूं, और जाहिर बात है जो जिस चीज का जुज होता है उसी कुल की तरफ जाता है। आग का जुज जो भी होगा वो अपने कुल की तरफ जाएगा, और आग का कुल क्या है, जहन्नम ही है। आग अपने जुज्व के साथ जब आगे बढ़ेगी कुल के से मिलने के लिए तो जहन्नम में ही जाएगी ना। मन न नूरम के सुए हजरत शवम, मैं नूर नहीं हूं कि अल्लाह ताला के दरबार की तरफ जा सकूं। नूर होगा तो वहां जाएगा। एक नूरी मखलूक होती है, एक नारी मखलूक होती है। नारी मखलूक नार की तरफ जाएगी, नूरी मखलूक नूर की तरफ जाएगी, क्योंकि जुज्व अपने कुल की तरफ ही जाता है। हम चुना की जालिम हक नाशनास बहरे गावे कर्द चंदी इल्तिबास। जैसा कि हक को ना पहचानने वाले इस जालिम शख्स ने एक गाय के लिए, महज एक गाय के लिए इतनी मकर और धोखादेही का रास्ता इख्तियार किया। अगर उस वक्त वो गाय ही बख्श देता। अब देखिए आप फिर आप वापस पलट कर आ रहे हैं उस वाक्य की, तो इतनी सारी मुसीबतों से निजात मिल जाती थी उसको। गैर जरूरी हट धर्मी का मुजाहरा किया, ऐसा शरीयत की बातें नेकी की बातें करने लगा जैसे कि ये बहुत बड़ा शरीफ आदमी है। क्या हुआ, जो छुपे हुए राज थे वो भी सामने आ गए, और जब राज सामने आ जाते हैं तो फिर अपने अवाकिब नताइज लेकर आते हैं, अपने रिजल्ट्स लेकर आते हैं। वो अजी सदगाओ बुर्दो सत शतुर नफ्स इनस्ते पिदर अजवे बेबुर। एक गाय के लालच ने 100 गायों और 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया। ऐसे उसकी जिंदगी में 100 गाय और 100 ऊंट थे ना, सब चले गए। और मौलाना रूम इस मौके पर कहते हैं कि ऐ मेरे बाप सुन ले, नफ्स इसी तरह होता है, नफ्स इसी रास्ते पर ले जाता है, ख्वाहिश करता है एक एक चीज की, मुझे ये होना होना सो होना, मैं ये लेकर ही जाऊंगा, जिद करता है मुझे मेरी गाय चाहिए, मुझे मेरी गाय चाहिए। गाय तो नहीं मिलती, उल्टा जो चीजें हैं वो भी चली जाती हैं। तो नफ्स से कत ताल्लुक करो। नीज रोजे बाखुदा जारी न करद या रबी नामत अजू एकदम बेदर्द। एक दिन भी इस आदमी ने अल्लाह ताला के हुजूर झुक कर आजिज़ इनकसारी नहीं की, और नफ्स भी ऐसे ही करता है, वो झुकने को तैयारी नहीं होती। किसी वक्त भी दर्द के साथ उसने या रब्बी नहीं कहा, कहां से उसकी मदद होगी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऐबों को छुपाया है तो तुम्हें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तुमने ऐसी नाशुकरी की तो फिर अल्लाह ताला अपनी शान सत्तारी उठा लेगा। कह खुदा खस्मे मरा खुशनूद कुन गर मनश करदम जिया तू सूद कुन। ऐ खुदा, मेरा जो अपोनेंट है तू उसको खुश कर दे, अगर मैंने उसका कुछ नुकसान किया है तो तू उस नुकसान के बदले में उसका कुछ फायदा कर दे। इस तरह की सोच होना चाहिए। अगर आपके हाथों से किसी का नुकसान भी हुआ है तो आपको उसकी भलाई की फिक्र होनी चाहिए कि मेरे हाथों से उसका इतना नुकसान हो गया है, उसके हक में कम से कम दुआ करनी चाहिए। अगर आप उसका नुकसान कर बैठे हैं और उसकी पाबजाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका बदला नहीं दे पा रहे हैं, तो दुआ तो कर सकते हैं ना। कोई आपके साथ एहसान का बर्ताव करे, अच्छा बर्ताव करे, आपका काम यह है कि एहसान का जवाब एहसान से दें। हल जजा उल एहसान इल्ल एहसान,
एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या है? भलाई का बदला भलाई से देना चाहिए। तो कोई आपकी खिदमत कर रहा है, कोई आपके साथ भला कर रहा है, तो आपका काम यह है कि आप उसके भले की सोचें, उसके लिए भी कुछ करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सके हालात की मजबूरी की वजह से, दुआ तो दे सकते हैं ना, वो करने में क्या परेशानी है। लेकिन इस आदमी ने उस मालिक का सदका खाया पूरी जिंदगी गुलाम बनकर, और उसी के साथ ही नमक हरामी की, और अब उसी के पोते के साथ इस तरह का सुलूक कर रहा है, और कभी उसने खुदा को याद नहीं किया। गर खता कुश्तम दियत बर आखिलस्त आखिला जानम तो बूदी अजअलस्त। अगर मैंने गलती से मारा है, अगर किसी ने जानबूझकर किसी का कत्ल किया है, तो फिर तो सीधा सीधा कत्ल अमत की सजा होगी, फांसी दी जाएगी, कत्ल किया जाएगा, क्योंकि कत्ल के बदले कत्ल है। लेकिन अगर गलती से मारा है तो आदमी अपनी गलती अगर तस्लीम कर ले, माफी चाह ले, तो उसके जो आखिला, आखिला कहते हैं वो रिश्तेदार जिनको हक है सजा या माफ करने का, उनको कम से कम खुश कर दे, उनसे माफी चाह ले। तो अगर वो माफ कर दें कोई दियत लेने पर, कोई कोई चीज देकर ले दे ला के मामला खत्म करने पर, उसको दियत कहते हैं। जब कोई आदमी गलती से किसी को मार देता है, जब वो तौबा करता है, कहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से मारा है, अगर उसके जो रिश्तेदार हैं जिनको आखिला कहते हैं, वो अगर कोई दियत लेने पर राजी हो जाए, ठीक है तुम इतना दे दो, हम तुमको माफ कर देंगे, तो कम से कम ये रास्ता तो निकल सकता है ना। तो आप कहते हैं कि ये जो अलस्त वाला मामला है, वादा अलस्त वाला, वो भी ईमान वालों की जान का आखिला है। उसको पेश नजर रखकर अगर हम जिंदगी गुजारें तो निकी के रास्ते पर चलते हैं। संग मी गर्दद बे इस्तिग़फ़ार दुर इन बवद इंसाफ नफ्स ए जाने हुर। ये जो शेर है ये दो नुस्खों में बिल्कुल अपोजिट अंदाज में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई तजाद नहीं है, मफहूम करीब करीब एक ही जैसा है, हालांकि लफ्जी एतबार से अपोजिट है। संग मी गर्दद बे इस्तिग़फ़ार दुर, तौबा करने से पत्थर भी मोती बन जाता है, एक मसला एक नुस्खे में ये है, एक नुस्खे में है संग मी नदहद बे इस्तिग़फ़ार दुर, वो इस्तिग़फ़ार के मोतियों के बदले में बेकीमत पत्थर नहीं देता, ये भी नहीं देता है, एक जगह देता है एक जगह नहीं देता है, मगर माने मफहूम बदल जा रहे हैं दोनों जगह। इस्तिग़फ़ार जो है असल में कंट्रीशन को कहते हैं, हम लोग रिपेंटेंस समझते हैं इस्तिग़फ़ार, रिपेंटेंस तो महज एक जज्बा है, इस्तिग़फ़ार का असल मतलब होते हैं कंट्रीशन या पेनिटेंस, पेनिटेंस होना चाहिए तो जब ये इस्तिग़फ़ार की सिफत आती है। तो दोनों चीजें होती हैं, तौबा करने से मामूली पत्थर भी मोती बन जाता है, और इस्तिग़फ़ार के मोतियों के बदले में अल्लाह ताला बेकीमत पत्थर नहीं देता, और यही नफ्स का इंसाफ होता है। इंसाफ, इंसाफ की बात करने वालों, अल्लाह ताला के हुजूर में अल्लाह वालों के पास जाकर इंसाफ की बात नहीं करना, माफी की बात करो। अगर वो इंसाफ पे आ जाएं तो फिर तुम्हारा क्या होगा, जैसे इसने किया था, गाय मेरी है इंसाफ कीजिए, फैसला शरीयत के मुताबिक कीजिए, ये गाय का इंसाफ है, इस तरह की बातें कर रहा था। अल्लाह के नबी ने इंसाफ ही किया और बता दिया इंसाफ है क्या चीज। अभी तक तो माफी का, सत्तारी का, रहमदिली का मुजाहरा हो रहा था, लेकिन तूने इंसाफ को दावत दी ना, अब इंसाफ होगा। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारे हाजरीन को इस आदमी की और उस आदमी की हकीकत बताई और माजी में जो वाकया पेश आया था उसके बारे में सब खबर दे दी, तो अब सबको आप लेके जाते हैं उस झाड़ के पास जहां पे इसकी लाश, मतलब इस आदमी के दादा की लाश दफन है, और वहां पर कुछ सबूत और शवाहिद भी मिलते हैं। चूं बुरू रफ्तंद सुए आंदरख्त गुफ्त दस्तशरा सिपस बंदी सख्त। जब लोग उस दरख्त की जानिब निकल गए दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले इस आदमी के हाथों को पीछे से बांध दो, क्योंकि अब जब मुजरिम को ले जाया जाता है ना तो हथकड़ी पहनाई जाती, वरना ये कोई कारस्ता नहीं कर सकता है। अब सबूत इकट्ठा हो रहे हैं ना, इस आदमी को मुलजिम करार दे दिया गया है, तो लिहाजा पहले इसके हाथों को पीछे से बांध दो, अब हम उस दरख्त के पास जाएंगे। ता गुनाह हो जुर्म ऊ पैदा कुनम ता लिवाए अदल बर सहना जनम, ताकि उसका गुनाह और उसका जुर्म जो है मैं जाहिर करूं, और इंसाफ का झंडा जंगल में जाकर गाड़ दूं।
इंसाफ इंसाफ कहता था ना, आज देखो इंसाफ कैसा होता है। गुफ्त ऐसक जद्द ईरा कुश्तई, तो गुलामी ख्वाजा जी रू गश्तई। जाते जाते हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने उस आदमी की तरफ देखा, उस मुलजिम की तरफ देखा और फरमाया, ए कुत्ते, तूने तो उसके दादा को कत्ल किया है, तू असल में गुलाम है, उसके दादा का गुलाम है और खुद आखा बन बैठा है। उसको कत्ल कर दिया, उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प ली और खुद आखा बन बैठा। खाजरा कुश्ती व बुर्दी माले ऊ कर्द यजदा आशकारा हाले ऊ, तूने अपने आखा का कत्ल किया और उसका माल उड़ा लिया, और इस तरह खुदा ने जो कि सत्तारुल उयूब है, उसने तेरी सत्तारी के जरिए ऐबों ऐब पोशी की थी, लेकिन अब उसने हाल जाहिर फरमा लिया है, अब चांस खत्म हो गया है। आजनत ऊरा कनीजक बुदास्त, बाहमी खाजा जफा बिन मुदास्त, और तू भी उस शख्स का गुलाम था एक दौर में, और तेरी बीवी भी उस शख्स की कनीज थी, तू भी गुलाम था, तेरी बीवी भी कनीज थी, जब तूने अपने मालिक का कत्ल किया, सारा माल हड़प लिया, तो उसकी कनीज को भी अपनी जोजियत में ला लिया। बा हमी खाजा जफा बिन मुदा अस्त, उस आखा पर उसने भी इस तरह से जुल्म किया है, तेरी बीवी भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है, क्योंकि उसका काम था लोगों को उसकी हकीकत के बारे में बताए। हरचे जुजाईद मादा या के नर, मिल के वारिस बाशदां कुल सर बसर, और फिर तुम दोनों से जो भी लड़का या लड़की पैदा हुई है, सबके मालिक वो दादा थे, क्योंकि हुक्म यह है कि अगर बाप भी गुलाम है और माँ भी कनीज है तो औलाद भी गुलाम होगी, इस तरह से तुम्हारी औलाद भी अब उनके गुलाम है, और फिर ये गुलामी में तरके में तकसीम होगी, दादा की पोते को आएगी, अब वही शख्स तुम सबका मालिक होगा। तो गुलामी कस्बो कारत मिल के उस्त, शरा जुस्ती शरा बुस्तां रोनिकोस्त, तू गुलाम है, तेरी कमाई और तेरा सारा कारोबार उस आदमी की मिल्कियत है, तूने शरीयत तौर पर फैसला चाहा था ना, ऐ नबी शरीयत के मुताबिक फैसला कीजिए, ये क्या शरीयत आप नहीं बना रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स पास किए थे ना, कोई नई शरीयत नहीं बना रहे हैं, वही शरीयत है और उसी शरीयत का वही हुक्म सुनाया जा रहा है, कितना अच्छा हुक्म है ना, क्या अच्छा फैसला है ना। अब वहां पर जंगल को जाते हैं, जाकर अब मक्तूल के बाकियात निकाले जाते हैं, उसकी लाश, फिर जिस चाकू से उसका गला काटा गया था वह चाकू भी बरामद किया जाता है, और उसके बाद फिर दाऊद अलैहि सलाम अपना फैसला सुनाते हैं, वो इंशाअल्लाह हम आइंदा के दर्स में पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بشنو از گوش دل مثنوی معنوی دل ہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی دل ہے